नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये खूबसूरत सा स्वेटर का डिजाइन बनाने के लिए बताऊंगी। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास दी हुई घंटी को दबा दीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इस डिजाइन को कैसे बनाना है, इस डिजाइन को बनाने के लिए देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर हम बना करके थोड़ा सा नमूना रखे हैं। अब हम आपको इसका डिजाइन बताएंगे कि कैसे बनाना है। तो देखिए, ये दूसरी ओर उल्टे की तरफ से इस तरह से दिखेगा और सीधे की तरफ से इस तरह से दिखेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सिलाई लीजिए और इस पर आपको जितना फंदा डालना हो, जितना बड़ा स्वेटर बनाना हो, स्वेटर के अनुसार आप फंदा डाल लीजिए। और फंदा डालने के बाद आप इस पर बॉर्डर बना लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, हम आपको डिजाइन बनाने के लिए बता रहे हैं। तो आपको जिस तरह से फंदा डालने के लिए आता है उस तरह से फंदा डालिए, नहीं तो हम अपने चैनल पे बहुत सारे फंदे डालने के का तरीका बताए हैं। तो इस तरह से देखिए, धागा को हम रख करके इस तरह से फंदा बना लेंगे। तो देखिए, यहाँ हमारा दो फंदा हो गया। हम थोड़ा सा फंदा डाल करके आपको सिर्फ डिजाइन बनाने के लिए बताएंगे। तो इस तरह से देखिए, हम फंदा डाल लेंगे। यहाँ देखिए, हम फंदा, जो धागा बच गया है, एक्स्ट्रा फंदा है, धागा है, उसको हम दबाते गए हैं, तो ये धागा हमें दिखेगा नहीं। तो यहाँ पर हम देखिए थोड़ा सा फंदा बना लिए हैं। जिससे कि हम डिजाइन आपको बता सकें। तो देखिए, ये फंदा बन गया है हमारा। ये डिजाइन से फंदा बहुत ही तेजी से बनता है। तो इस तरह से फंदा बनाने के लिए हम बताए हैं अपने चैनल पर। तो देखिए, हम यहाँ पर फंदा बना लिए हैं। और अब हम देखिए, यहाँ हम पूरी सिलाई उल्टा, पहला फंदा को उतार लिए हैं, दूसरा फंदा उल्टा बनाएंगे और फिर धागा को पीछे करके यहाँ पर देखिए, एक दो तीन, तीन फंदा सीधा बनाएंगे, फिर यहाँ पर एक दो फंदा उल्टा बना लेंगे, फिर धागा को पीछे करेंगे और तीन फंदा सीधा बना लेंगे। दो तीन, तीन फंदा सीधा बना लेंगे, धागा आगे करेंगे और दो फंदा उल्टा बना लेंगे। फिर देखिए, धागा पीछे करेंगे और एक दो तीन फंदा सीधा बना लेंगे, फिर धागा आगे करके ये दो फंदा को उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम पूरी सिलाई इस तरह से बना लिए हैं। अब हम बनाएंगे उल्टा की तरफ से। तो देखिए, उल्टा के तरफ से पहला फंदा को उतार लेंगे, धागा को एक फंदा सीधा बुनेंगे और जो इधर से उल्टा है उसको उल्टा बुन लेंगे, जो सीधा है उसको हम सीधा बुन लेंगे। तो इस तरफ से हमारा दो फंदा हो जाएगा सीधा और तीन फंदा हो जाएगा उल्टा। तो जैसा हम यहाँ पे दिख रहा है, उल्टा पे उल्टा बुनना है और सीधा पर सीधा बुनना है। पूरी सिलाई आपको इसी तरह से बनाना है। तो देखिए, यहाँ पर हम पूरी सिलाई दो फंदा सीधा और तीन फंदा उल्टा बना रहे हैं। तो इस तरह से पूरी सिलाई, जितना भी फंदा हो इसी तरह से बनाना है, दो फंदा सीधा और तीन फंदा उल्टा। तो देखिए, ये पूरा सिलाई हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम सीधा के तरफ से बनाएंगे। तो सीधा के तरफ से देखिए, पहला फंदा को हम उतार लेंगे, एक फंदा को उल्टा बना लेंगे, धागा को पीछे करेंगे और ये तीनों फंदा को हम बुन देंगे। देखिए, सीधा से बना लेंगे, दो तीन फंदा को सीधा से बना लेंगे और जो पहला वाला फंदा है इसको हम दोनों फंदा के ऊपर से इस तरह से टपा देंगे। तो यहाँ पर हमारा एक फंदा घट जाएगा। फिर हम दो फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर तीन फंदा सीधा बुनेंगे और जो सीधा हम तीन फंदा बुनेंगे
उसका हम पहला फंदा को ये दो फंदा के ऊपर से ऐसे टपा के बंद कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा एक फंदा घट जा रहा है, यहाँ पर हमारा दो फंदा हो जाता है। तो इसको हम मेकअप अगले इस सिलाई पे करेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा ये पूरी सिलाई जितना भी फंदा होगा इसी तरह से बुनना है। तीन फंदा जो सीधा है उसका एक फंदा को दोनों फंदा के ऊपर से टपा देना है। अब देखिए ये हमारा सिलाई सीधा के तरफ से कंप्लीट हो गया है। अब देखिए हम उल्टा के तरफ से बनाएंगे। तो उल्टा के तरफ से देखिए पहला फंदा उतार लिए, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा को आगे करेंगे और एक फंदा को हम उल्टा बुन लेंगे। और अब देखिए हम यहाँ धागा को रोटेट कर लेंगे एक बार और फिर उस दूसरा फंदा को बुन लेंगे। तो यहाँ हमारा तीन का तीन फंदा पूरा हो गया। अब फिर देखिए दो फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे और एक फंदा को उल्टा बुन लेंगे और धागा को यहाँ पर रोटेट कर लेंगे और फिर दूसरा फंदा को उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरह से हमारा एक फंदा जो सीधे की सिलाई से घट गया था वो अब हमारा मेकअप हो गया। इस तरह से हम पूरी सिलाई बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम पूरी सिलाई बना लिए हैं, पूरा सिलाई बन गया है। अब हम देखिए सीधा के तरफ से बनाएंगे, पहला फंदा को उतार लेंगे, दूसरा फंदा को हम उल्टा बना लेंगे, फिर धागा को पीछे करेंगे और ये तीनों फंदा को हम अब सीधा बुन लेंगे। ये तीनों फंदा सीधा बुन लिए, धागा को आगे करेंगे, दो फंदा उल्टा बुनेंगे और फिर धागा को पीछे करके तीनों फंदा सीधा बुन देंगे, फिर धागा आगे करेंगे और दो फंदा उल्टा बुनेंगे। इस तरह से हम पूरी सिलाई को बनाएंगे। देखिए ये हमारा तीन फंदा बन गया, बीच में एक जाली बन जाता है। देखिए ये एक फंदा सीधा बुने, दूसरा फंदा जो सीधा बुनेंगे तो यहाँ हमारा एक जाली बन जाएगा, फिर धागा आगे करेंगे और दो फंदा उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए हमारा ये पूरा सिलाई कंप्लीट हो गया है और यहाँ बीच में एक जाली बन गया है। देखिए फूल के बीच में एक जाली बन गया है। अब देखिए उल्टा की तरफ से पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा को सीधा बुनेंगे, धागा को आगे करेंगे और फिर ये तीनों फंदा को हम सीधा बुन लेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, दो फंदा को सीधा बुन लेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, तीन फंदा उल्टा बना लेंगे। इधर जो साधारण जैसे हम बुनते हैं दो फंदा सीधा और तीन फंदा उल्टा बुनते जाएंगे, ये उल्टा के तरफ से हम इस सिलाई पर बनाएंगे। पूरी सिलाई हम इसी तरह से बना लेंगे। तो ये देखिए हम पूरी सिलाई कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम सीधा के तरफ से बनाएंगे, पहला फंदा को उतार लेंगे, दूसरा फंदा को उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे और फिर हम उसी तरह जो पहला रो बुने थे, पहला सिलाई बुने थे, उसी तरह से तीन फंदा को बुन के और पहला फंदा को हम दोनों फंदा के ऊपर से टपा देंगे, फिर धागा को आगे करके दो फंदा उल्टा बुन लेंगे, फिर धागा को पीछे करके तीनों फंदा को हम सीधा बुन लेंगे और एक फंदा को आगे से ऐसे टपा देंगे। फिर इस तरह से देखिए ये हमारा डिजाइन इसी तरह से बनना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए गोल गोल बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा डिजाइन बनता है। इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में दीजिए, ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आप इसे हाफ स्वेटर, फुल स्वेटर किसी में भी दे सकते हैं, बच्चों के स्वेटर में, बड़ों के स्वेटर में, ये बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन बनता है। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और ढेर सारा शेयर करें। थैंक यू।